हाय गाइस, सजमा किचन में आपका स्वागत है। आज सब्जी बनाने के लिए कुछ नहीं था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मखाने की सब्जी अपने तरीके से बना दें, तो मैं मखानों की सब्जी बना रही हूँ। तो आइए शुरू करिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो उसमें एक सीक्रेट चीज़ ऐसी डालेंगे जो लास्ट में आपको पता चलेगी। देखिए, मखाने लिए हैं हमने, 100 ग्राम मखाने लिए हैं, जिसको अच्छे से थोड़ा रोस्ट करेंगे। इसको लो फ्लेम पे थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेंगे। देखिए, मखाने हमारे लो फ्लेम पे रोस्ट हो रहे हैं, जब तक हमने ये दो प्याज लिए जिसको मोटा मोटा काट लिया है, ये अदरक लिया है एक टुकड़ा, लहसुन लिया है, 2 से 4 हरी मिर्ची ली है, 2 टमाटर लिए हैं और ये इतने काजू लिए हैं। तो इनको तेल में अच्छे से फ्राई करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम काजू को फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम इसमें। अब काजू डालेंगे, इसको अच्छी तरह से लाल हो जाने देंगे, ताकि इसकी आधा हम ग्रेवी में डालेंगे और आधा मखाने के साथ डालेंगे। ये शादियों जैसी मखाने की सब्जी हम बना के दिखा रहे हैं, क्योंकि शादियों में हलवाई हम कई तरह की मक्खन मावा वगैरह डालते हैं, तो हम इसमें मावे का यूज़ नहीं करेंगे। आसान तरीके से आपको सब्जी बनाकर बता रहे हैं, ताकि अपन घर में अपने घर की किचन की चीज़ों से ही अपन सब्जी तैयार कर सकें। थोड़े से काजू हम निकाल लेते हैं। थोड़े से प्याज वगैरह करेंगे, तो एक फूल डालेंगे, 2 पत्ते डालेंगे, 10 से 12 काली मिर्ची और थोड़ा सा जीरा, ये डाल के और ये सारे मसाले जो है वो इसमें डाल देंगे। अब इसको थोड़ा सा नरम होने तक भूनेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें। थोड़ा सा नमक हम सब्जी में भी लेंगे, तो थोड़ा सा इसमें डाल दिए। अच्छे से फ्राई हो गया है और प्याज टमाटर सब अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद में इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। हम चीज सीक्रेट चीज की बोल रहे थे, वो सीक्रेट चीज ये है। ये काम इस मखाने की सब्जी में काम करेगी मावे का। तो इसको है ना साइड से काट लेंगे पूरा। तो हमें ना 2 ब्रेड की स्लाइस लेंगे, कि हमने इसमें टुकड़ा टुकड़ा करके इसको डाल देंगे। और अब इसमें डालेंगे दूध। अब दूध डालने के बाद में ही गल जाएगा, फिर इसको मिक्स करेंगे। देखिए, ये हमारे जो मसाला फ्राई किया था हमने, वो ठंडा हो गया, तो अब हम मिक्सी जार में डाल के इसको बारीक अच्छे से पीस के लाते हैं। पैन गरम होने के लिए फिर से रखा है, तो इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसमें 1 इंच हींग डालेंगे हम। और ये जो सूखे मसाले लिए हैं हमने, 2 चम्मच लाल मिर्ची, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। नमक हमने फ्राई कर रहे थे प्याज जब भी लिया था, और 1/2 चम्मच हल्दी, ये सब इसमें डाल देंगे। और जो ग्रेवी बना के लाए थे हमने, वो भी इसमें डालेंगे। और अच्छे से इसको लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई होने देंगे, जब तक तेल ना छोड़े। ये देखिए, जो हमने ब्रेड को दूध में भिगो के रखे थे, वो उसको अच्छे से फेंट लिया है। अब मसाला भी हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, और जो ये काजू हमने आधे फ्राई करके रखे थे, वो डाल देंगे सबसे पहले, और फिर ये हमारे मखाने डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, और इसमें पानी डालेंगे, ताकि हमारे मखाने अच्छे से गल जाएं। बस इतना पानी डालेंगे, और जो अभी हमने ब्रेड का घोल लगा के रखा था, वो भी इसमें डाल देंगे। और अच्छे से अब मखाने गलने तक इसको पकने देते हैं। देखिए, हमारी ग्रेवी कितनी थिक हो गई है, और एकदम मावे जैसा वो आ रहा है। तो आप भी हमारी तरह बनाइए ये वाली सब्जी, जो आसान तरीका है और घर में की चीज़ों से बन जाएगा। हमारी मखाने की लज्जेदार सब्जी बन के तैयार हो गई है,
और अब इसको डिस आउट करेंगे। देखिए खुशबू तो किचन में ऐसी महक रही है कि जैसे शादियों में अपन कई पार्टियों में जाते हैं ना, वैसी खुशबू आती है, वैसे के वैसी महक रही है। अब आप भी बनाइए और देखिए कि ये सब्जी कैसे लगती है। हरे धनिए से इसको गार्निश कर देंगे, एक बटर का क्यूब्स डाल देंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू। Thank you.